अभी इसने नमक खाया चीनी समझ के, नमक का डिब्बा रखा हुआ था तो उसे खोला इसने और चीनी समझ के टेस्ट किया मैडम जी को, फिर करिए ये है देखो, ये हम लोग की सोसाइटी का आउटसाइड पूल एरिया है, खुले में एकदम स्विमिंग करना है तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। जा रही हूँ, ये है बाहर का रिसेप्शन एरिया हम लोगों की सोसाइटी का, हमें जल्दी से दौड़ के देख के आऊँगी उसको, लेट हो जाएगा अदरवाइज। बस एक रोटी है जो वो तोड़ तोड़ के एक दो पीस अगर मैं खिलाऊँ या तो खा लेगी, और खुद से अगर तोड़ के दो तो थोड़ा सा खाएगी, नहीं तो नहीं खाएगी, वो और सीख जाए ना तो अच्छा है। हालांकि आ जाओ, क्या चाहिए? क्या चीनी? चीनी हॉटकेस में कौन लेता है? ये चेंज करूं लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये नाम अब पूरा सेट हो गया, अब मैं इसको चेंज नहीं करूंगी, इसके साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम बैक विद अनदर वीडियो, और आज मैं आप लोगों के लिए, बीच में एक दिन का गैप हो गया था तो प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ काम ऐसा लगा हुआ था जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई थी। लास्ट आप लोगों ने शायद मेरा संडे का व्लॉग देखा होगा, मतलब संडे को हम लोग जब घूमने के लिए गए थे वो वाला व्लॉग देखा होगा, मतलब थोड़ा सा काम में व्यस्त थे जो शूट नहीं कर पाई थी, और क्या काम था, किस चीज में लगे हुए थे, वो सब आगे वाली वीडियोज में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, मैं धीरे धीरे करके आपको सब बताऊंगी। इसी की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। तो आज है यहाँ पे वेडनेसडे, और आज स्वदी का जो, जैसे जुलाई और मैंने अगस्त बताया था, जुलाई अगस्त के महीने में उसका पूरा एक पिकनिक तरीके का एक पूरा ना शेड्यूल पूरा का पूरा पैक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, जुलाई और अगस्त में स्वदी का पूरा एकदम पैक शेड्यूल है, क्योंकि उसमें सारा पिकनिक डे और अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज और वो सब रहेगा। तो आज उसका पिकनिक डे है, तो बाहर तो बच्चों को ले जा रहे नहीं है, वो लोग बोल रहे थे कि एयर क्वालिटी ठीक नहीं है इसलिए बाहर नहीं ले जाएंगे, स्कूल के अंदर ही है, वही थोड़ा कुछ 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 अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज वो लोग कराने वाले हैं। तो आज सुबह वो स्वदी कुछ ले जा नहीं पाई थी, आज मयंक उसको छोड़ने के लिए गए थे और मेरा खाना तब तक रेडी हो रहा था, फिर मैंने सोचा कि चलो इतना हड़बड़ क्या करना है, इसको पहुंचा देते हैं पहले स्कूल, उसके बाद 11 बजे जब लंच होगा तो मैं पहुंचा दूंगी इसका लंच। तो अभी मैंने दाल और चावल उसके फेवरेट जो की है वो मैंने बना लिए दाल चावल, अब मैं उसको देने के लिए जाऊंगी स्कूल में। पूजा वूजा हो गई है, घर का सारा काम हो गया है, अब आराम से मैं आप लोगों से बात करने के लिए बैठी हुई हूँ, और अभी किचन में जाऊंगी, 11 बजने वाला है और उसके बाद मैं उसको लंच दे के आऊंगी। मैं अभी जा रही हूँ, इस वाले झोले में मैंने स्वदी के लिए दाल चावल रख लिए उसके फेवरेट, तो अभी उसकी मैम उसे खिला देंगी, 11 बज चुका है, और ये यहाँ से हमने चाबी उठाई और अब हम निकल रहे हैं, जल्दी से देख के आ जाऊंगी उसे। दिनों के बाद मैं उसको ऐसे लंच देने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं स्वदी को छोड़ने जाती थी तो बिल्कुल कुछ नहीं खाती थी, तो उसके लिए लेके जाती थी, कई बार तो उसे खिला के भी आती थी, तो बीच में उसने खाना स्टार्ट कर दिया था जो स्कूल से मिलता है लंच वंच, तो वैसे भी वो टीचर्स वगैरह सब एनकरेज करती है कि बच्चे यहीं का खाएं तो उस हिसाब से अच्छा है, लेकिन नहीं खाती है तो फिर वो लंच ये वाला खिलाती ही खिलाती है, वैसे अब उसको आदत हो गई है, वो खाना स्टार्ट कर देती है, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए, तो कुछ ना कुछ ऐसे कभी सेवई रहती है कुछ रहता है तो वो खाती है हमेशा। तो अब मैं जा रही हूँ, ये है बाहर का रिसेप्शन एरिया हम लोगों की सोसाइटी का, और मैं जल्दी से दौड़ के देख के आऊँगी उसको, लेट हो जाएगा अदरवाइज। स्वदी का जो ये प्लेग्राउंड एरिया है, उस प्लेग्राउंड एरिया में बेंचेस वगैरह पड़ी हुई हैं, स्टूल्स बेंचेस और खाना वाना खाने के लिए, तो अभी बीच में थोड़ा मौसम भी ठीक है, धूप वूप भी निकली होगी तो ये लोग बाहर लेके आए हैं गार्डन में, और आज गार्डन खुले गार्डन में पिकनिक हो रहा है और इन लोग को वहीं लंच सर्व किया जा रहा है। तो मैं जैसे गार्डन में से शॉर्टकट लेती हूँ, वैसे तो रास्ता इधर से है, इधर की तरफ से पीछे से जाता है, लेकिन गार्डन से शॉर्टकट लेती हूँ तो सीधे सामने देखिए बच्चे लोग, मैंने कहा आज ही पार्क में ही खा रहे हैं बेंच पर बैठे हुए, फिर सॉरी दौड़ दौड़ के गई ना तो इतनी सांस फूल रही है, तो बेंच में देखा जब स्वदी खा रही है मज़े से, और उसको मैं सामने ही लंच दे के आई हूँ, ना रोई है ना कुछ किया उसने, और वो टोस्ट खा रही थी, सैलेड था वो खा रही थी, फिर मैं उसको दाल चावल दे दिया, उसकी टीचर को वहीं से मतलब ऊपर से ही पास कर दिया, तो सामने बैठ के उसको लंच दे दिया और आराम से वो लोग खा रहे हैं, कोई रोना नहीं कुछ नहीं, बड़े अच्छे से इंजॉय कर रही थी, और सबसे अच्छी बात वो ब्रेड खा रही थी जो घर में तो खाती नहीं है कभी, तो उसको टोस्ट दिया था, टोस्ट खा रही थी, सैलेड खा रही थी, तो देख के अच्छा लगा, तो मेरा टाइम थोड़ा बच गया, मैंने डायरेक्ट इसको पास ऑन कर दिया। देखो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रही हूँ, ये पेड़ के पीछे तो ये जो बच्चे यहाँ पे खड़े हैं ना, ये देखो ये सब सॉरी बैठे हुए हैं जो बच्चे, ये सब मैं बच्चे लोग आज बाहर बैठ के पूरा लंच कर रहे हैं सब लोग, मैंने यहीं से दे दिया था पूरा, देख के बहुत अच्छा लगता है, ये देखो छाए हैं पेड़ इतने बड़े बड़े, देख के बहुत अच्छा लगता है कि स्वरी खा लेती है, सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं खाएगी, लेकिन वो आजकल राइस और जो भी नॉर्मल मैगी दो या
दाल चावल हो गया या फिर बस एक रोटी है जो वो तोड़ तोड़ के एक दो पीस अगर मैं खिलाऊं या तो खा लेगी, और खुद से अगर तोड़ के दो तो थोड़ा सा खाएगी, नहीं तो नहीं खाएगी। वो और सीख जाए ना तो अच्छा है। हालांकि ब्रेड वगैरह खा ले रही है, दाल चावल खुद से खा ले रही है, और स्नैक्स में मैक्रोनी वगैरह कुछ दो या पोहा दो जवे दो, ये भी खुद से खा लेती है, उसको अच्छा लगता है। तो देख के अच्छा लगा, वहाँ पे बैठी हुई थी सबके साथ, वो फोटो नहीं निकाल पाई, दूर से आपको दिखाया। तो अच्छा लगता है ऐसे ही बच्चों का थोड़ा सा ना पिकनिक होता है यहाँ पे, कभी झूला झूलने के लिए आएंगे बच्चे, कभी बाहर पिकनिक होगा, कभी उनका पेंटिंग डे है, इस तरीके से सारे डे उन लोगों के डिवाइड किए हुए हैं, हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी है। तो इन लोगों की जो समर है, क्योंकि यहाँ पे समर हॉलीडेज़ हो जाती हैं ये जुलाई अगस्त में, तो बच्चों के लिए तो नहीं है, तो इसलिए बच्चों के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ इन लोगों ने प्लान की हुई है। तो बस अब मैं घर जा रही हूँ, खाना ऑलमोस्ट रेडी है, मुझे सब्जी जाके बनानी है बस। जाते जाते ना मेरे को बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दी, मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ। हम लोगों की सोसाइटी का आउटसाइड पूल आपको दिखाती हूँ, देखो ये है, देखो ये हम लोग की सोसाइटी का आउटसाइड पूल एरिया है, खुले में एकदम स्विमिंग करना है तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये हम लोगों की कोलकाता जैसा ही एकदम वैसे ही कलर का है, नीचे का टाइल वाइल भी इसका ब्लू ब्लू पानी। ये सामने इधर साइड में इधर ये वाला पार्क है जहाँ से मैं अभी आई थी स्वदी को छोड़ के, मतलब स्वदी का स्कूल के लिए जाते हैं, और ये देखो यहाँ पे पार्क है, यहाँ से एंट्री। ये देखो पीछे पीछे है, इसकी भी बुकिंग करनी होगी, इसका भी कुछ ना कुछ टाइमिंग रहता है, तो कभी ना कभी तो आएंगे। या खुले में ना एकदम स्विमिंग करने का अलग मज़ा है, समर टाइम पे स्पेशली। अभी तक मैं नॉर्मल वाला जो स्विमिंग है वही नहीं, अपना जो हमारे बिल्डिंग के अंदर वाला स्विमिंग पूल है वही नहीं गई हूँ। मैं गई हुई दो तीन बार, मैं अभी तक एक भी बार नहीं गई हूँ। और अब हम लोग चलते हैं घर। स्विमिंग कॉस्ट्यूम सब कुछ ला के रखा हुआ था, हम लोग इंडिया से ही लेके आ गए थे जो हम लोगों के पास थे। स्वदी का भी इवन हम लोगों ने, जहाँ सोसाइटी में हम लोग का स्विमिंग पूल था वहाँ स्वदी को पानी में जाना इतना अच्छा लगता था मत पूछिए। और यहाँ पे आके एक भी बार नहीं जा पाए, तो सब ऐसे ही ऐसे रखा हुआ है कॉस्ट्यूम, किसी दिन तो प्लान करेंगे। हर दिन कुछ ना कुछ रहता है ना, और वीकेंड्स में कहीं निकल जाते हैं, वीकडेज में पूरा दिन ऐसा पैक रहता है, खाना बनाओ, सुलाओ उसको, थोड़ा रेस्ट करो, फिर शाम का खाना, सुबह का खाना, इसमें टाइम ही निकल जाता है। ये देखो ये पूरा का पूरा एकदम पाउच जैसा सा, ये पाउच जैसा हम लोग लेकर आए अदरक का। ये देखो इसमें से निकालती हूँ, ये देखो ये नॉर्मल हम लोगों के इंडियन अदरक जो रहता है वैसा सा है। देखो ये, देखो ये नहीं निकलेगा, देखो थोड़ा सा सख्त है ये, वो इतना इजीली निकल रहा था ना पहले जो मैं आपको दिखाया था अदरक, ये वाला नहीं निकल रहा है इसको, ये देखो, अरे ये निकल, वो इतना कच्चा सा रहता है। यही लेकर आए थे, और ये वाला पता है ये नॉर्मल है, मतलब मैं पूरा का पूरा पाउच लेके आ जाती हूँ, ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और इसमें प्रॉपर टेस्ट आता है वो अदरक वाली चाय पीने का। और पहले जो लेकर आए थे वो एकदम कच्चा सा एकदम ऐसा लगता था, उसका छिलका इतना नरम और टेस्ट भी अच्छा नहीं। बनाने जा रही हूँ मैं चाय, क्योंकि शाम का टाइम हो गया और थोड़ा 5:30 बज रहा है, तो थोड़ा सा सोचा चाय वाय पी के थोड़ा नीचे वॉक करके आएंगे, मौसम बहुत अच्छा रहता है और कहीं निकल ही नहीं पाते हम लोग, तो यहाँ तो वैसे भी 8 बजे तक पूरा दिन रहता है, तो उसकी वजह से सोचा स्वदी को दूध दूध पिला के थोड़ा सा नीचे वॉक करके आऊंगी। कैसा टेस्ट था? कैसा टेस्ट था? अभी इसने नमक खाया चीनी समझ के, नमक का डिब्बा रखा हुआ था तो उसे खोला इसने और चीनी समझ के टेस्ट किया मैडम जी को, फिर करिए। ये देखो इसको मामा के जैसे ना एकदम चीनी खाना इतना पसंद है। स्वदी थोड़ा सा थोड़ा सा आ जाओ, क्या चाहिए? क्या चीनी? चीनी हॉटकेस में कौन लेता है? क्या चाहिए, क्या चाहिए? व्हाट यू वांट? No, no, no. Two. No, for you, no for you. No for you. Please? Please.
ऐसे ले लो, हाँ थोड़ी सी ले लो, थोड़ी सी, छोटू सी, थोड़ी सी, अरे थोड़ी सी, यस, गो गो, बाय बाय बाय, भागो। चीनी इतनी पसंद है, बापरे, इसको कुछ ना कुछ मीठा इतना अच्छा लगता है कि लगा के कुछ ना कुछ लेगी और है ना चीनी अपना लगा के आ जाएगी। अभी इसने नमक खाया, नमक को चीनी समझ के फिर कह रही वे, वे। जैसा मैं अपनी कुछ पहले की वीडियोस में बोल रही थी कि मैं इस चैनल का नाम चेंज करूंगी और कुछ तो भी सोच रही हूँ, कुछ नया सा नाम रखूँ या कुछ, फिर मेरे दिमाग में आया कि यार नहीं, जो नाम चल रहा है जिससे फैमिली ग्रो हो रही है, अब मैं उस नाम को चेंज नहीं करूंगी, तो इसलिए मैंने वह नाम स्वदीज वर्ल्ड ही रहने दिया है। पहले बहुत कुछ दिमाग में सोचा था कि अपने मतलब फैमिली के नाम पे कोई टाइटल दे दूंगी या व्लॉग करके कुछ दे दूंगी, लेकिन अभी फिर मैंने सोचा कि नाम चेंज नहीं करते हैं। थोड़ा सा जिस वजह से मैंने चैनल स्टार्ट किया था, जब स्वदी के होने से पहले मैंने सोचा था कि स्वदी से रिलेटेड वीडियोस डालूंगी या मैं थोड़ा व्लॉग बनाया करूंगी, डेली व्लॉग्स, तो बीच में कोविड आ गया था, फिर अकेले अकेले सब काम करना पड़ा, जिसकी वजह से ना तो व्लॉगिंग हो पाई ना मैं इस चैनल पे कोई वीडियो डाल पाई। मैंने ये फिर स्वदी के नाम से तभी उस टाइम बनाया था, स्वदीज वर्ल्ड करके, और फिर मैं सोच रही थी कि चेंज करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये नाम अब पूरा सेट हो गया, अब मैं इसको चेंज नहीं करूँगी, इसके साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इस चैनल का नाम स्वदीज वर्ल्ड ही रहने वाला है। मैं आपको अपडेट करना भूल गई थी, तो मुझे अभी याद आया तो मैंने आपको बता दिया है कि अभी मैं कोई चैनल वैनल का नाम चेंज नहीं करने वाली हूँ। देखो मैंने बताया था ना, कुछ सब्जियां इंडियन उस टाइटल के नाम से आती है, जैसे देखो ये वाला इंडियन, ये देखो इंडियन एग प्लांट, ये बैगन है, छोटे वाले बैगन नहीं आते हैं, ये इंडियन एग प्लांट्स के नाम से। तो अभी बज रहा है रात का यहाँ पर 9, और खाना हम लोगों का जल्दी हो गया है क्योंकि मुझे स्वदी को सुलाना होता है, स्वदी भी तो बहुत ज़्यादा लेट कर देती है। तो मैं आपसे मिलूंगी अब नई वीडियो में, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं और पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।